हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम जाने वाले हैं द रिसोर्ट मुंबई, विच इज़ इन मड आइलैंड। ये रिसोर्ट बहुत ही स्पेशल है। डेफिनेटली श्योर कि आपको, आप जब भी ये रिसोर्ट विजिट करोगे तभी आपको गोवा वाली फील ज़रूर आएंगी। एंड इसका जो USP है मैं आपको वहाँ पर ही जाके बताऊँगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड आई एम श्योर आपने मेरे सारे रेसिपी वीडियोस जो भी मैं अभी रिसेंटली अपलोड कर रही हूँ वो आप देख रहे हैं। एंड ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा, बिकॉज दीज रेसिपीज़ आर वेरी बेसिक एंड वेरी ईजी विथ फ्यू इन्ग्रीडियंट्स, नॉट सो हाई फाई इन्ग्रीडियंट्स। सो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन आई एम नॉट ट्रैवलिंग आउटसाइड मुंबई दैट मच। सो जब भी ये कोविड सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग डाल सकूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आधे घंटे से पवई में अटकी हूँ, पवई के ट्रैफिक में। लुक एट दिस, आई डोंट थिंक सो वी विल रीच ऑन टाइम, बट लेट्स सी। अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क करके यहाँ से एंटर करेंगे। सो दिस इज द सिक्योरिटी पॉइंट। यहाँ पे आपका सब टेम्परेचर एंड एवरीथिंग विल बी चेक एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द इन्होंने ये प्रॉपरली कवर किया है ताकि आपको शेड मिले। एंड दीज आर ऑल द एक्टिविटीज़। ये जो एडवेंचर पार्क है वो आई गेस सिर्फ वीकेंड को अवेलेबल है, सो यू हैव टू चेक विद द रेस्टोरेंट एंड देन यू कैन बुक योर स्लॉट। वेरी प्रिटी दिस रिसोर्ट इज, एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस द रिसोर्ट। This is the reception counter from where you can collect your room keys. So, अभी हम पहुंचे हैं द रिसोर्ट होटल मुंबई एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई रूम। अगर आप कोविड सिचुएशन में मुंबई के बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहते तो ये प्लेस ज़रूर आइएगा, बिकॉज ये प्लेस की एक स्पेशलिटी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एंड द रूम इज़ वेरी प्रिटी एज यू कैन सी। तो मैं अभी आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। स्वीट, look at this beautiful view। एंड वो है अक्सा बीच। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये रिसोर्ट की स्पेशलिटी ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप गोवा में है, बिकॉज यहाँ पे स्विमिंग पूल है एंड स्विमिंग पूल के एग्जैक्टली आगे अक्सा बीच है। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमें एग्जैक्टली सेंटर वाली रूम मिली है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग एंड आई एम इन लव विद दिस प्लेस। इज द रेस्टोरेंट वेर यू कैन हैव योर लंच, डिनर एंड एवरीथिंग। यू कैन ऑल्सो कॉल फॉर रूम सर्विस, सो दैट इज ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। लुक एट दिस सीलिंग एंड दिस रेस्टोरेंट इज ऑल्सो comes with a swimming pool and the beach view। So
दिस इज़ वन इंस्टाग्राम कॉर्नर जो उन्होंने बनाया है ताकि आप बहुत सारे फोटोज ले सकते हैं. एंड स्विमिंग पूल इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन. दिस इज आई गेस द बेस्ट वे टू रीयूज द टायर्स, यू नो, आप इसे रिसाइकल करके एक फ्लावर पॉट के जैसे यूज कर सकते हो. आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हो, इट इज अ गुड आइडिया. ये है रिसोर्ट एंड दिस इज द अक्सा बीच जो मैं बहुत स्टार्टिंग से बोल रही थी. सो ये वहाँ से एक्सेसिबल है, वहाँ से जाके आप यहाँ से आप जा सकते हैं अक्सा बीच पे. वेदर इज वेरी प्लीजेंट. इट्स अराउंड 2 PM राइट नाउ एंड मुझे बहुत ही यू नो प्लेजेंट वाला वेदर फील हो रहा है. ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, एकदम प्रॉपर. एंड दिस पार्ट ऑफ द रिसोर्ट इज स्पेशली फॉर द वेडिंग्स एंड दिस इज नेक्स्ट टू द बीच. सो आपको फुल टू गोवा वाली फीलिंग यहाँ पे ज़रूर आएगी. एंड यहाँ पे भी छोटा सा गार्डन के साथ छोटे बच्चों के लिए भी उन्होंने सारे एक्टिविटीज़ दिए हैं. क्लोज डू नॉट क्लाइम इन द एब्सेंस ऑफ एडवेंचर एक्सपर्ट. सो ये सिर्फ सैटरडे एंड संडे होता है. सो अभी हमारा पूरा रिसोर्ट हो गया है घूम के. सो यहाँ पे एक्टिविटीज़ जैसे कि आपने देखा बहुत सारे करने के लिए है. यहाँ पे उन्होंने साइकिल्स भी रखे हैं, वो आप आई गेस इन द प्रॉपर्टी चला सकते हैं. आई डोंट नो कि आप उसको बाहर ले जा सकते हो कि नहीं. देन दिस इज़ द एंट्रेंस पाथ. दे हैव गार्डन्स, दे हैव एडवेंचर पार्क विच इज़ ओनली अवेलेबल इन द ऑन द वीकेंड्स. इट्स अ गुड रिसोर्ट एंड व्यू तो माइंड ब्लोइंग है ही. सो शाम पूरे दिन सारे एक्टिविटीज़ करके आप शाम को बीच विजिट कर सकते हैं. लंच तो बहुत बढ़िया था ही एंड डिनर भी कैसे होगा मैं आपको शाम को बताऊंगी. अभी मेरा एक शूट ख़त्म हुआ एंड अभी मैं जा रही हूँ टू द बीच जो रिसोर्ट से ही एक्सेसिबल है. सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कैसे जाते हैं. हेलो. सो ये आ गए हैं हम बीच पे जो है अक्सा बीच. क्राउड तो बहुत है एंड सनसेट का टाइम है तो मुझे टाइम लैप्स भी लेना है. तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद एंड टाइम लैप्स लेने के बाद. बाय. डिनर करने, डिनर में मैंने बहुत सारे चीज़ें ट्राई की. लाइक दे हैव द बुफे काउंटर एंड उसमें बहुत सारे वैरायटी है. सो वेज, नॉन वेज, सी फूड, आप उसमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं. वी आर एंजॉइंग फूड विद सम ग्रेट म्यूजिक एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस डेजर्ट्स नाउ. Morning guys, so it's day 2 today and I'm having my coffee with this beautiful view. So मैं कल रात को vlog नहीं कर पाई because कल का खाना बहुत ही अच्छा था and हम लोग थोड़ा late night walk करके फिर सो गए. So now it's time for breakfast, so I'm having my coffee and then we'll have some munchies and then we'll check out and I will also show you the breakfast menu. What's there in the menu?
डेढ़ घंटे में ही घर पहुंचे। जैसे जाते टाइम हम लोग को ट्रैफिक मिला था, वैसे आते टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, एंड द जर्नी वॉज वेरी स्मूथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज डू इट। टिल देन बाय।